गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नौवीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में कप प्रत्यय के कुछ और उदाहरण बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कल कप प्रत्यय में अनिट धातुओं के बारे में बताया था कि अनिट धातु क्या है। तो जिस धातु में लट और लिट लकार में परिवर्तन हो जाता है वे अनिट धातु कहलाती हैं। तो अनिट धातु में कर प्रत्यय के कुछ और उदाहरण मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं घ्रा, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना। जब इसमें हम पद प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में घ्रातम या घ्राणम होता है, स्त्रीलिंग में घ्राता या घ्राणा होता है, नपुंसक लिंग में घ्रातम या घ्राणम होता है, जिसका अर्थ हो जाता है सूंघा गया, जो कि भूतकाल की क्रिया है। अब है ची, ची का अर्थ होता है चुनना। जब इसमें कर प्रत्यय लगाते हैं तो इसके पुल्लिंग में चीतम, स्त्रीलिंग में चीता और नपुंसक लिंग में चीतम, जिसका अर्थ हो गया, तीनों का अर्थ हो गया चुना गया। अब है छिद धातु, जिसका अर्थ होता है काटना। जब इसमें कट प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में छिन्नम, स्त्रीलिंग में छिन्ना और नपुंसक लिंग में छिन्नम होता है और इसका अर्थ होता है काटा गया। उसी तरह से जन धातु है, जिसका अर्थ होता है पैदा करना, पैदा होना। अब जो है इसमें जब हम कट प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में होता है जातक, स्त्रीलिंग में जाता, नपुंसक लिंग में जातम, अर्थ हुआ इसका पैदा हुआ। उसके बाद है जी, जी धातु है जिसका अर्थ होता है जीतना। तो जीतना में जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं, जी धातु में जब कत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप होता है जीतम, स्त्रीलिंग में जीता, नपुंसक लिंग में जीतम, अर्थ हो जाता है जीता गया। अब है पच धातु, पच धातु का अर्थ होता है पकाना। जब इसमें हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में पकवा, स्त्रीलिंग में पकवा और नपुंसक लिंग में पक्वम होता है, जिसका अर्थ होता है पकाया गया। उसके बाद है जूस धातु, जूस धातु का अर्थ होता है सेवन करना। जब इसमें हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो होता है जुष्ट, पुल्लिंग में जुष्ट, स्त्रीलिंग में जुष्टा और नपुंसक लिंग में जुष्टम, अर्थ होता है सेवन किया गया। अब है ज्ञात धातु, ज्ञात धातु का अर्थ होता है जानना। जब कत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में ज्ञातम, स्त्रीलिंग में ज्ञाता, नपुंसक लिंग में ज्ञातम होता है, जिसका अर्थ हो गया जाना गया। अब तूद धातु है, तूद धातु का अर्थ होता है पीड़ा। जब इसमें हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में होता है तुन्नम, स्त्रीलिंग में तुन्ना और नपुंसक लिंग में तुन्नम, इसका अर्थ होता है पीड़ित हुआ। अब है त्रिधातु, त्रि का अर्थ होता है पार करना। इसमें जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में तृण, तृण, स्त्रीलिंग में तृणा और नपुंसक लिंग में तृणम होता है, जिसका अर्थ होता है पार किया गया। तुस धातु है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। इसमें कत प्रत्यय लगाते हैं तो होता है पुल्लिंग में तुष्ट, स्त्रीलिंग में तुष्ट, नपुंसक लिंग में तुष्ट, अर्थ होता है प्रसन्न हुआ। अब जो है तृप्त धातु है, जिसका अर्थ होता है तृप्त होना, संतुष्ट होना। इसमें जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में तृप्त, स्त्रीलिंग में तृप्ता और नपुंसक लिंग में तृप्तम होता है, अर्थ हो जाता है तृप्त हुआ यानी संतुष्ट हुआ। उसके बाद है तेज धातु, तेज का अर्थ होता है छोड़ना। इसमें जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में होता है त्यक्त, स्त्रीलिंग में त्यक्ता और नपुंसक लिंग में त्यक्तम, इसका अर्थ होता है छोड़ा हुआ। इस प्रकार जो है कि कत प्रत्यय की अनेक धातुओं के
बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण कल लिखाया था, कुछ आज लिखाया हूँ। अब इसके बाद जो है कि इसके सेट धातु के बारे में मैं अगली कक्षा में बताऊंगा।